नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का नंबर वन यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया लाइव न्यूज। अब कल का इंतजार खत्म। खबर है खगड़िया से। खगड़िया पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो काफी समय से जिले में लूट और हत्या कि वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इनके पास से लूटे हुए वाहन भी बरामद हुए हैं। हालांकि मास्टरमाइंड राकेश कुमार अभी फरार हैं। और ये क्या कुछ कह रही हैं एसपी मीनू कुमारी, सुनते हैं। जो बस्तराहा वाला थाना है जो कि नवगछिया खगड़िया जिला की सीमा पर अवस्थित है, वहाँ एनएच पे दो घटनाएं हैं जो दोनों ही वाहन लूट की घटना थी फोर व्हीलर की। पहली घटना जो है वो हुई थी 25-26 तारीख की रात्रि को और दूसरी घटना जो है अभी 29 तारीख की संध्या में हुई थी। तो दोनों ही घटनाओं में जो है पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए दोनों ही कांडों में जो लूटी गई वाहन थी उसको रिकवर करने में सफलता प्राप्त की है। और 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने केस डिटेक्ट किया है और उसमें से कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी अभी कर ली है हम लोगों ने। 29 तारीख को जो घटना हुई है उसमें एक व्यक्ति लक्ष्मण पासवान है जो कि पूर्णिया के खुशकी बाग के रहने वाले थे, उनको फोन कर गाड़ी उनकी बुकिंग की गई थी मिल्की आने के लिए जो कि नवगछिया जिला में पड़ता है। वहां आने के लिए गाड़ी बुकिंग की गई थी लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनको टॉर्चर किया जाने लगा गाड़ी लूटने के लिए। उनके प्रतिरोध करने के बाद उनकी जो है चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। हम लोगों ने टेक्निकली उसका केस पर अनुसंधान तुरंत ही प्रारंभ किया और हम लोगों ने ये जानकारी प्राप्त कर ली कि कोई राकेश कुमार झा नाम का एक व्यक्ति है जिसके द्वारा की वाहन की बुकिंग की गई थी और वो भरतखंड थाना क्षेत्र का रहने वाला। तो एसडीपीओ गौरी के नेतृत्व में हमने तुरंत ही एक टीम गठित करके उनके घर पे भेजा तो वहां एस्टैब्लिश हो पाया कि वो व्यक्ति भरतखंड का रहने वाला है और पूर्णिया में कहीं डेरा लेकर रहता है और गाड़ी चलाने चलवाने का काम करता है। इसके आधार पर एक टीम हम लोगों ने वहां पे पूर्णिया भी भेजी और वहां पे अनुसंधान करते हुए लगातार हम लोगों ने एक व्यक्ति अमरनाथ सिंह पेसर कलेश्वर सिंह चांदबाड़ी जो कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र पूर्णिया का रहने वाला है उसको अरेस्ट किया है और उसी की निशानदेही के आधार पर